पिशावर के इलाके सदर बाजार से दिन दहाड़े गाड़ी चोरी हो गई। 24 न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। मुलजिम को वाजे तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन पुलिस ताहाल इसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये मनाजर आप भी देख सकते हैं। पिशावर के इलाके सदर बाजार से दिन दहाड़े गाड़ी चोरी कर ली गई। 24 न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है, जबकि मुलजिम को वारदात करते हुए वाजे तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन पुलिस ने ताहाल कोई गिरफ्तारी नहीं की है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। पेशावर में सदर बाजार से दिन दहाड़े गाड़ी चोरी कर ली गई है। 24 न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब, फुटेज मौजूद है, लेकिन पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई अभी तक? जी, पेशावर के इलाके सदर बाजार में दिन दहाड़े गाड़ी चोरी करने के मामले में पेशरफ सामने आई है, और इस तरह गाड़ी चोरी करने की सीसी फुटेज भी सामने आई है, जो 24 न्यूज को भी मौसूल हो गई है। गाड़ी में जो चोरी किया गया था गाड़ी को, तो फुटेज में देखा जा सकता है कि लिफ्ट को वाजह तौर पर देखा जा सकता है कि दिन दहाड़े आते हैं और कई देर तक वहाँ रुकते भी हैं, और वहाँ चूंकि पार्क की सिक्योरिटी भी नहीं थी, जो बूढ़ी सरकार थे वो भी ड्यूटी पर नहीं थे, तो कार लिफ्टर मास्क पहने हुए पहले रेकी करता है, बाद यहाँ रेकी के बाद कार लिफ्टर आसानी गाड़ी में बैठ कर उसे ले जाता है, और इसका मुकदमा बाकायदा तौर पर जो थानागर भी है तो मालिक की गाड़ी ने वहाँ पर दर्ज भी किया है। इस फुटेज मिलने के बाद भी पुलिस मुलजिम को पकड़ने में नाकाम रही है, और मिसाली पुलिस ताहाल कोई कार्रवाई न कर सकी है, और मालिक की जो गाड़ी है मालिक के, तो उनके जान से मुतालबा सामने आया है कि फौरी तौर पर पुलिस कार्रवाई करे। ठीक है, शुक्रिया आफ्ताब मोहम्मद।